हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में एटीएम से किए तकरीबन 75 लाख रुपए पार, एसबीआई के एटीएम से निकाली राशि। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर एटीएम से तकरीबन 75 लाख की नकदी पार करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामले में सबसे बड़ी राहत ये है कि ये सारी राशि अवैध निकासी के तौर पर की गई और पिछले 2 से 3 माह के दौरान ये पूरा गड़बड़ झाला हुआ। मामले की जानकारी मिलते ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य प्रबंधक ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस के पास शिकायत पहुंचते ही पुलिस में हड़कंप मच गया है। सरहदी बाड़मेर जिला मुख्यालय पर एटीएम से अवैध तरीके से तकरीबन 74,95,000 पार करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बाड़मेर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से 74,95,000 की अवैध राशि पिछले 2-3 महीनों के दौरान की गई। ये अलग अलग खातों से 10,000 रुपए के रूप में 800 बार ट्रांजैक्शन के जरिए की गई। ये निकासी पिछले साल 22 दिसंबर 2020 से लेकर अब तक की गई। अवैध निकासी के तौर पर इतनी बड़ी धनराशि निकाली गई। मामले की शिकायत लेकर कोतवाली पहुंचे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रताप जी की पोल शाखा के मुख्य प्रबंधक सुजीत कुमार झा ने बताया कि एटीएम मशीन में पावर फेलियर करके एक संगठित गिरोह द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस ग्रुप में बड़ी संख्या में सदस्य शामिल है। इस गिरोह ने पिछले 2 से 3 महीने के अंदर अलग अलग खातों से 800 बार ट्रांजैक्शन करके इतनी बड़ी धनराशि की निकासी कर ली। अब पुलिस को शिकायत मिलने के बाद पुलिस में हड़कंप मच गया है और बाड़मेर पुलिस पूरे मामले की तह तक जाने में जुटी है। जिन जिन लोगों के खातों में धनराशि निकाली गई, उनमें हड़कंप मच गया है। बहरहाल बाड़मेर पुलिस ने 74,95,000 की अवैध तरीके से निकासी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 409, 120B, 66C और D आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर ली है। वहाँ के मैनेजर साहब सुजीत कुमार जान जी ने हमें रिपोर्ट पेश की है और बताया है कि 22/11/2020 से 5/1/2021 तक इनके एसबीआई के एटीएम से कुछ ट्रांजैक्शन हुए हैं जो कि इनके सिस्टम में फेल्ड दिखाए हैं, जिनका रिफंड इन्होंने ग्राहकों ने उठा लिया है, जबकि इनके सिस्टम में वो ट्रांजैक्शन होना बता रहा है, यानी रुपए निकलना बता रहा है। इस संबंध में इन्होंने धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के संबंध में मुकदमा दिया है जो अभी दर्ज कर रहे हैं। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकरा राम इकबाल की रिपोर्ट।